दोस्तों ये है शहीद मीनार जहाँ से आप पूरा कोलकाता एक ही बार देख सकते हैं। दो लाइंस मैं नहीं सुनाता हूँ, रागी भाई से सुनवाता हूँ। दूसरा दिन है मेरा कोलकाता में, लेकिन पहला दिन होने जा रहा है एक्सप्लोरिंग को लेके। होने लगा एक दिल्ली में है कुतुब मीनार और कोलकाता में है शहीद मीनार, और कहते हैं यहाँ से कि कोलकाता पूरा दिखता है। कहीं आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कोलकाता में आते शहीद मीनार पे जाइए, टॉप पे जाइए, पूरा कोलकाता देखने को मिलेगा आपको, एक एक जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जोक्स अपार्ट, तो चलिए शहीद मीनार को देखते हैं, ऐसा मैंने सुना है, वहाँ जाके देखते हैं कैसा दिखता है कैसा नहीं है। तो चलिए वीडियो की करते शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। YouTube पे देख रहे हैं तो रेड बटन को ब्लैक कीजिए, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो बता रहा था मैं आपको कि 1947 से जब ब्रिटिश वाले राज कर रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी हुई है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो कि उन्होंने बनाए हैं, लाइक जैसे कि आपको मैंने मुंबई में द गेट वे ऑफ इंडिया दिखाया था, तो जो मैं आपको शहीद मीनार बताने जा रहा हूँ ये भी अंग्रेजों की छाप छोड़ी हुई है, उन्होंने ही बताया, वहीं जाके मैं सारी आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ। और यहाँ पहुँचने के लिए मैं आपको टैक्सी वैक्सी रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो कर सकते हैं, वरना आप ये जो बसेस मेरे आसपास देख रहे हैं इन बसेस से आप लोग आ सकते हैं बहुत सस्ते में। मैंने 10 रुपये दिए, मैं रुका हुआ हूँ सियालदा रेलवे स्टेशन के पास, और वहाँ से यहाँ तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये दिए। तो फिलहाल मैं उसी शहीद मीनार के बिल्कुल सामने पहुँच चुका हूँ, ऐसा कुछ बस स्टैंड है यहाँ पे और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। अभी यहाँ से एंट्री लेते हैं, अभी पता करेंगे वहाँ पे कुछ एंट्री फ़ी है या एंट्री चार्जेस हैं या नहीं है, वहाँ जाके पता चलेगा। सो ये है कुछ एरिया, यू कैन सी इट्स शहीद मीनार का ये एरिया, ये पूरा का पूरा ग्राउंड, यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और ये रहा जी सामने शहीद मीनार। तो फाइनली जनाब मैं शहीद मीनार पे आके पहुंच चुका हूँ, आप लोगों को पूरी हिस्ट्री इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा, मेरे एक फेवरेट सिंगर हैं अरिजीत सिंह, उनके गाने में अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ, बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं, वो भी यहाँ से ही हैं, और मैं कोशिश करूँगा उनका घर भी दिखाने की। मेरे साथ है मेरे दोस्त, अचानक से मुलाकात हुई, रागिब इनका नाम है, अचानक से इनका भी यूट्यूब चैनल है रागिब व्लॉग्स, रागिब व्लॉग्स एक बार आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। तो इन्हीं की मदद से आज मैं पूरा कोलकाता नहीं, जितना कोलकाता हमसे एक्सप्लोर हो पाएगा तो हम करेंगे। अरिजीत सिंह भी यहाँ के ही हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी यहाँ के ही हैं, और मदर टेरेसा भी यहाँ के ही हैं, सरो गंगोली भी यहाँ की, और बहुत सारी चीज़ें, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो फिलहाल मैं आपको दो लाइंस मैं नहीं सुनाता हूँ, रागी भाई से सुनवाता हूँ। रागी भाई शौक हो गए, आज ही बिला बंदा तो आज ही मुझसे काम करवा रहा है। दो लाइंस अरिजीत सिंह की, हम तेरे भी नब रह नहीं सकते। पहले मैं गा लेता हूँ। मुझको ना मुझ पे इतना, इस दिल को तुझ पे जितना, होने लगा एतबार, तन्हा लम्हों में सपने, मिलते हैं तेरे अपने, होने लगा इख्तियार, पूछूं मैं तुझको कभी ना, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। सॉरी लिरिक्स थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए सॉरी, इतने बड़े सिंगर से अगर लिरिक्स में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो उसके लिए सॉरी। हो जाए रैंडमली कभी कभार ऐसी बात, लोग छोड़ के भाग जाएंगे मेरा। नहीं, कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं, चलिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना मैं क्या है, तेरे बिना वजूद, हाँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना मेरा वजूद है क्या। हाँ चलो, बढ़िया जो भी है बढ़िया। क्या बन गया, बढ़िया। तो फिलहाल हम शहीद मीनार की आपको हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। तो शहीद मीनार तो इसको अब बोला जाता है, 1969 के बाद इसको शहीद मीनार बोला जाता है, लेकिन उससे पहले इसको शहीद मीनार नहीं कहते थे, इससे पहले इसको बोला जाता था ऑक्टर लोनी मोनोमेंट। ये ऑक्टर लोनी मोनोमेंट, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, अंग्रेजों ने भी यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी हुई है। आपको मुंबई में मैंने द गेट वे ऑफ इंडिया दिखाया था, वो भी अंग्रेजों की छाप छोड़ी हुई है,
और वैसे ही ये शहीद मीनार भी अंग्रेजों की चाप छोड़ी हुई है। 1825 से 1828 के बीच में इसको बनाया गया था, और ये किसकी याद में बनाया था, वही ऑक्टर लॉनी की याद में बनाया था। वो एक कमांडर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आर्म फोर्सेस के एक वो कमांडर थे। उन्होंने क्या किया था, दिल्ली को मराठा से डिफेंस किया था। सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, उन्होंने जो एंग्लो नेपालीज वार हुई थी उसे भी विक्ट्री हासिल की थी, तो उसी की मेमोरी में इसको बनाया गया था। लेकिन लेटर अगस्त में 1969 में इसका नाम चेंज करके इसको शहीद मीनार बोला गया है। फिर जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, उसमें जितने भी लोगों की जाने गई थी, जितने भी लोग शहीद हुए थे, चाहे वो बंगाली थे चाहे वो हिंदी थे, तो उनके नाम पर इसको शहीद मीनार नाम दिया गया। शहीद जैसे कि मार्टियर्स और मीनार मोनोमेंट है ये। और इसकी अगर हम आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की बात करें, टॉप से अगर आप इसको देखेंगे तो ये टर्की स्टाइल में, टर्की आर्किटेक्चर स्टाइल में दिखेगा, और अगर आप इसका मिडल पार्ट देखते हैं तो वो सीरियन आर्किटेक्चर स्टाइल में दिखेगा, और अगर आप इसका बेस देखेंगे तो बेस आपको इजिप्शियन स्टाइल में आपको दिखेगा। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं 223 सीढ़ियाँ हैं। 1997 में एक टूरिस्ट ने वहाँ से जंप किया था, सुसाइड करी थी, और वो अपनी जान गंवा बैठा था। फर्स्ट डे था मेरा आज, तो फर्स्ट डे आते ही थोड़ी सी गुड वाइब्स आ रही है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंस पॉकेट है ना थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री थी, कोई भी चार्जेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। कभी भी आते हैं आप यहाँ पे तो माइंड से ये बाहर निकाल के आएँ कि आपको कोई भी पैसा देना पड़ेगा, फ्री एंट्री, मज़े से आप देखें। हाँ, वहाँ पे अगर आप गूगल करते हैं, विकिपीडिया में आप देखते हैं, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि शाम के टाइम आप इसके ऊपर है जो टॉप पे आप जाके कोलकाता को देख सकते हो। जैसे कि मैं सोच के आया था कि आपको कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कोलकाता पूरा देखने की, अगर आपको पूरा देखना है आप सिंपली आइए इसके ऊपर टॉप पे जाइए, इस मोनोमेंट के टॉप पे, तो आप पूरा कोलकाता देख सकते हो। लेकिन यहाँ आते ही पता चला कि इसकी जो स्टेयर्स है अंदर से 223 जो सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर से, सारी तो नहीं डिस्ट्रॉय हुई होंगी पर कुछ पार्ट है जो इसका डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो फिर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे आना है तो सिर्फ आप देख सकते हो, ऊपर आप लोग नहीं जा सकते। यहाँ पे साथ में एक ब्रिगेड ग्राउंड भी है, जैसे कि आपने दिल्ली में देखा है। दिल्ली में कोई भी धरना हो, कोई कुछ भी हो, तो जंतर मंतर में जाके लोग बैठ जाते हैं, कोई भी अपनी डिमांड्स पूरी करवानी हो। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था रेसलर्स वहाँ पे जाके अपनी डिमांड पूरी करवा रहे थे, वो अपना प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे वहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे इसी शहीद मीनार के पास है ब्रिगेड ग्राउंड, जहाँ पे लोग आते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, किसी किस्म की भी कोई भी स्ट्राइक करनी हो तो वो लोग यहाँ पे आके करते हैं। मेरे सामने आप लोग देखेंगे ये लोग बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से, 300 कुछ डेज हो गए इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए। सुबह सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं अपनी स्ट्राइक को लेके बैठे हुए हैं, ये जॉब्स के रिलेटेड। शहीद मीनार ग्राउंड या ब्रिगेड ग्राउंड को इसलिए चुना गया है स्ट्राइक्स के लिए, जैसे कि हमारे दिल्ली में मैंने आपको पहले भी बताया जंतर मंतर है, वैसे ही यहाँ पे ब्रिगेड ग्राउंड है, या आप कह सकते हो शहीद मीनार ग्राउंड। इस जगह को इन लोगों ने इसलिए चुना हुआ है, 1931 में हिजली में एक बंदे का कत्ल कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, एक बंदे को मार दिया था, उसी को कंडम करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक मीटिंग बुलवाई थी, और उस मीटिंग में उस सबको कंडम किया था कि ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। फिर उसके बाद लोगों की जितने भी मसले होते हैं, जितने भी डिमांड्स होते हैं, वो यहाँ आके बैठ के वो करते हैं। मुझे लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लवली फ्रेंड्स, के इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करनी चाहिए। मुझे आज बहुत मज़ा आया यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, लाइक यू नो फर्स्ट टाइम विजिटिंग इन कोलकाता, और अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें।